नमस्कार। आज हम मकर आसन का अभ्यास करेंगे। इसमें मकर का अर्थ है मगर, मगरमच्छ या घड़ियाल। जब हम आसन का अभ्यास करते हैं तो शरीर की स्थिति मगरमच्छ के समान दिखाई देती है, इसीलिए इसे मकर आसन कहते हैं। मकर आसन शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि किस किस को यह आसन नहीं करना चाहिए। जिनके पेट का ऑपरेशन हुआ हो या डॉक्टर ने किसी कारण से पेट के बल लेटने को मना किया हो, उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को यह आसन नहीं करना चाहिए। आइए मकर आसन करके देखते हैं। मकर आसन करने के लिए पेट के बल लेटे, पहले बायां हाथ रखेंगे आसन पर, उसके ऊपर दायां हाथ रखेंगे। इन हाथों के ऊपर अपना माथा या ललाट रखेंगे। दोनों पैरों में अधिक से अधिक फासला करेंगे, कंधों के बराबर फासला जरूर होना चाहिए। अपने पंजों को बाहर की तरफ और एड़ियों को अंदर की तरफ करके रखेंगे। अब शांत अवस्था में लेटें, पूरा शरीर ढीला। इस तरह ये हमारा मकर आसन हुआ। मकर आसन करते समय अगर हम दाएं या बाईं तरफ अपनी गर्दन घुमाकर ऐसे लेटते हैं तो इसे दाईं तरफ या बाईं तरफ मकर आसन कहते हैं। जब हम मकर आसन का अभ्यास करते हैं तो शरीर में शिथिलता आती है, इसीलिए आसनों का अभ्यास करने के बाद आराम करने के लिए मकर आसन बहुत लाभदायक आसन है। मकर आसन का अभ्यास करने से कमर के निचले भाग में अगर कोई समस्या है या पीठ में कोई दर्द है तो उनको दूर करने में आसानी होती है। जिन्हें हाई बीपी की समस्या है वो अगर मकर आसन का अभ्यास करें तो उन्हें लाभ मिलता है। तनाव व चिंता जैसी प्रॉब्लम हो तो उनको दूर करने में मकर आसन बहुत लाभदायक है। मकर आसन का अभ्यास करें, शरीर को विश्राम दें। धन्यवाद।